धार जिले के मनावर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के निमित्त साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मैं भी मणिकर्णिका के अंतर्गत घोष वादन के साथ नगर की मातृशक्ति एवं बालिकाओं द्वारा पथ संचलन शोभा यात्रा निकाली गई। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः सरस्वती शिशु मंदिर पहुंची। यात्रा का हर गली हर चौराहे पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। स्थानीय बस स्टैंड पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष लोकेश मुकाती सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। पथ संचलन में मातृशक्ति मंगलवेश लाल चुनर एवं बालिकाएं रानी लक्ष्मीबाई बनकर आई एवं पूरे उत्साह से संचलन में चल रही थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। पथ संचलन के पूर्व प्रांत बौद्धिक प्रमुख प्रतिमा जी सोनटक, अमृता जी भावसार, उषा जी नीमा, विभाग कार्यवाहिका ज्योति जी सोनी ने बौद्धिक किया, तो वही यामिनी लेले द्वारा संघ गान प्रस्तुत किया गया। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। सारे समाज बंधु सब वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु सब वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु एकाग्रता के बल पर एकाग्रता के बल पर समरसिया है जीवन माटी हमारी पूजा माटी हमारा वंदन माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन माटी हमारी पूजा माटी हमारा वंदन माटी हमारी पूजा माटी हमारा वंदन भारत माता की। दीदी आपका नाम? श्रीमती अमृता भावसार। कहाँ से बता रहे? आदरणीय दीदी का भी परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय प्रतिमा दीदी सोनटक के रतलाम से मालवा प्रांत राष्ट्र सेविका समिति की बौद्धिक प्रमुख है हमारे। आज जो ये मणिकर्णिका का जो कार्यक्रम मातृ शक्ति का जो रखा गया, इसका उद्देश्य क्या? महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती के उपलक्ष में ये आयोजन रखा गया और मैं भी मणिकर्णिका इस तरह से सारी तरुणियों में युवा बेटियों में बहनों में इस तरह के भाव जागृत हो राष्ट्र सेविका समिति के तत्वावधान में यह आयोजन रखा गया है। आज एक भव्य शोभा यात्रा मनावर नगर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर के नगर के भिन्न भिन्न मार्गों में गुजरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।